नमस्कार, वेलकम टू यू ऑल आवर पीडीएससी डिजिटल स्टडी क्लास प्लेटफॉर्म। माय सेल्फ विनेश शुक्ला एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। टुडे विद आई एम द चैप्टर 6 दैट इज इंटीजर एंड जीरो। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एक्सरसाइज 6.2 इन योर एनसीईआरटी बुक। ओके, देखिए मैंने यहाँ लिखा है एक्सरसाइज 6.2 इंटीजर्स, और एक्सरसाइज 6.1 के बारे में मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया था। मैं एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाता हूँ, उसको आपको अच्छे से समझाता हूँ, दो मैं करता हूँ, दो तीन चार उसके बाद कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए, और उसको आप खूब पढ़ना से फेयर कॉपी में करके और आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड भी कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप क्या 6.2 इंटीजर्स। ओके, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। यूजिंग नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 3 मोर देन 5। वो क्या है 3 मोर देन 5? अच्छा, जनरल में आपसे पूछो 3 मोर देन 5 व्हाट द नंबर यू हैव सजेस्टेड मी, दैट इज 8 सर। क्लियर, दैट इज 8। तो ऑन द नंबर लाइन यू हैव टू प्रेजेंट दिस वर्ड्स ऑन द नंबर लाइन, दिस विल बी सर टू हेल्प ऑफ इंटीजर्स। ओके, इस इंटीजर्स को आप इस वर्ड्स इंटीजर्स की हेल्प से आपको क्या करना है, नंबर लाइन पर उसको दिखाना है कि आखिर ये क्या हो। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला हम लोग आपको समझते हैं हम लोग इसको कैसा नंबर लाइन इसको हम लोग शुरू करेंगे। अब हम जब इसको ऑन इंटीजर सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस मोर देन 5 मींस होता है 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। हम एक नंबर लाइन बनाते हैं बेटे, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट को 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो वो इक्वली आप 5-5 उसके बॉक्स को क्या करते हैं उसके स्पेस मार्क करके चलते हैं, तो वो भी आप सीखेंगे बहुत अच्छे से। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हमको 3 + 8 जैसे हम 3 और प्लस 5 तो 1, 2, 3, 4, 5 दिस इज 8। तो आप ऐसे करते तो दिस इज सो ऑफ 3 मोर देन 5 ऑन द नंबर लाइन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटे। 5 मोर देन माइनस 5। अगर इसका आइटम में हम इंटीजर्स में अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 मोर देन माइनस 5। ओके, तो 5 5 इज इक्वल टू 0। अब 5 मोर देन माइनस 5 0। तो यहां पर आपको इसी नंबर लाइन पे आप इसको बना सकते हैं। थोड़ी सी आपको यहां क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5 तक की जरूरत है। अब दिस इज -5, -4, -3, -2 एंड -1। अब आपको क्या करना है, 5 + -5। अब 5 में आपने तो प्लस किया -5, तो 5 आप उसकी निगेटिव डायरेक्शन की तरफ आएंगे तो आप 0 की तरफ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 आप वहां आएंगे तो 5 + 5 यहां कर सकते हैं 5।
ओके, इस तरीके से आपने पहले नंबर्स को आपने समझा, तो सेकंड क्वेश्चन को आप नंबर लाइन पर शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। बहुत आराम से धीरे धीरे समझते हैं हम लोग क्वेश्चन को। अभी तक हम लोग नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था, हमने पहले वीडियो में आपको इसके बारे में आपको पूरा बताया भी था मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज नंबर लाइन एंड एड द फॉलोइंग इंटीजर। आप नंबर लाइन का यूज करते हुए नंबरों को आपको जोड़ना है। चलिए हम लोग यहाँ पहले कोशिश कर लेते हैं, थोड़ा सा एक इंटीजर लेवल इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, नाइन माइनस सिक्स इज इक्वल टू थ्री। अब थ्री हमको शो करना है नंबर लाइन पे, तो बहुत आसान होगा नंबर लाइन पे थ्री शो कर देना, लेकिन नहीं, हमको उस तरीके से नाइन प्लस माइनस सिक्स के हिसाब से थ्री करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग लिंक बनाते हैं। जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन। अब हमको कहां से नाइन से सिर्फ इधर आना है, हमको ना, तो सेवन
1 and 2 and 3 minus 300. इस तरीके से आपके और भी क्वेश्चन में आपको ऐड करने को क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में, उसे आप सब आप कर लेंगे अगर आपने यहाँ तक सारी वीडियोस को, इसके पहले के वीडियोस को, सारे पार्ट के इस एडिटर पार्ट के वीडियोस को अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आप सब कर लेंगे। हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।